हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इनकरेक्ट अबाउट कंपाउंड्स फर्स्ट सेकंड थर्ड इज, चार स्टेटमेंट दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड के रिगार्डिंग। ओके, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी हमें बताना है। पहले में कह रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड आर डायस्टीरियोमर्स। देखो, डायस्टीरियोमर्स ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ओके, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स इनेंशियोमर्स होते हैं बच्चों, इनेंशियोमेरिक पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ये क्या होते हैं? स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बॉन्ड कनेक्टिविटी भी सेम होती है, ग्रुप्स का स्पेशल अरेंजमेंट क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्या होता है बच्चों? ग्रुप्स का स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के लिए क्या एग्जिस्ट करती है? एक नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज एग्जिस्ट करती है। क्या एग्जिस्ट करती है बच्चों? एक नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज एग्जिस्ट करती है। ओके, नॉन सुपर वो स्टीरियोआइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ इच अदर, उनको बोलते हैं इनेंशियोमर। और कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब जब उनसे प्लेन पोलराइज लाइट पास करेगी ना तो उसको डेविएट या डिफ्लेक्ट कर देंगे बच्चों। डायस्टीरियोमर्स वो स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं विच आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ इच अदर। वो क्या नहीं होते हैं? एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं होते हैं बच्चों। ओके, तो जैसे फर्स्ट और सेकंड को डायस्टीरियोमर कह रहा है, आप इनके बीच में मिरर लगा दो। सबसे पहले तो चेक करो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और बॉन्ड कनेक्टिविटी सेम है बच्चों। देखो, ये फ्रंट कार्बन है, वो बैक कार्बन है। ओके, मतलब मेनली दो कार्बन है। देखो, कार्बन पे एक ओ एच है, एक एच है, सी एच थ्री। कार्बन पे एच ओ एच, एच ओ एच और सी एच थ्री। दूसरे पे पीछे वाले पे एच ओ एच सी एच थ्री, एच ओ एच सी एच थ्री। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बॉन्ड कनेक्टिविटी दोनों सेम है। ओके बच्चों, अब ये बताओ क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है? कहीं से भी, कहीं भी शीशा लगा के देखो बच्चों, क्या एक दूसरे की मिरर इमेज आएंगे बच्चों? ओके, नहीं आएंगे। देखो, यहाँ पर सी एस थ्री के बीच में डाईहेड्रल एंगल 60 डिग्री है, यहाँ पर 180 डिग्री है बच्चों। ओके, तो डाईहेड्रल एंगल थोड़ी ना चेंज होगा मिरर इमेज में। स्टीरियोआइसोमर्स है बट नॉट द मिरर इमेज, तो क्या होंगे बच्चों? ये आपके डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों? डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे। नहीं तो सबसे अच्छा काम इसमें हम क्या कर सकते हैं बच्चों? हम ना इनके फिशर प्रोजेक्शन बना के चेक कर सकते हैं। क्या बना के? फिशर प्रोजेक्शन बना के चेक कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले इसको, इसकी स्टैगर्ड फॉर्म, इसको फिशर प्रोजेक्शन क्या होती है? वो 2D का रिप्रेजेंटेशन होता है और इक्लिप्स्ड फॉर्म होती है। कैसी फॉर्म होती है? इक्लिप्स्ड फॉर्म होती है। तो आप इसको पहले उसमें साफ हॉर्स में लिख लो बच्चों। किसमें? साफ हॉर्स में लिख लो। ये पहला आगे वाला कार्बन ओ एच सी एच थ्री और ये एच। ओके बच्चों, इधर ओ एच सी एच थ्री और एच। अब इसको किस में ले आओ बच्चों? इसकी इक्लिप्स्ड फॉर्म में ले आओ। किसमें? इक्लिप्स्ड फॉर्म में। इस तरह से लाओ कि जैसे ये है बच्चों, सी एस थ्री को एकदम ठीक नीचे चिपकाना है। ओके, ऐसे इसके सी एस थ्री को। तो जब भी हम एक बॉन्ड को फिक्स करके बाकी तीन का रोटेशन देते हैं ना, तो आइडेंटिकल मोलिक्यूल ही आता है। तो जैसे पहले इस वाले का रोटेशन दे दो बच्चों, इधर की तरफ किसी भी डायरेक्शन में आप दे सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सी एच थ्री। ओके, यहाँ पर आ जाएगा ओ एच और यहाँ पर आ गया आपका एच। ओके, ऐसे ही पीछे वाले में कर दो बच्चों। इसको फिक्स किया और यहाँ पर रोटेशन दे दिया इसको इधर की तरफ। ओके, 120 डिग्री का रोटेशन आएगा इसमें से। तो यहाँ पर सी एच थ्री आ जाएगा बच्चों। ओके, यहाँ पर एच आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? ओ एच आ जाएगा। फिशर प्रोजेक्शन लिख लो पहले वाले की। कैसे लिखोगे? देखो, ये हो गया आपका सी एच थ्री, यहाँ पर सी एच थ्री। ओके, अब ये आगे वाला है तो इधर लेफ्ट में एच, राइट में ओ एच। अब पीछे वाले में भी लेफ्ट में एच है, राइट में ओ एच है। ये फर्स्ट वाले की बन गई बच्चों। सिमिलरली सेकेंड वाले की भी बनाओ। चलो, ओके, फर्स्ट वाले की है तो इसका साहोर्स बनाते हैं पहले। सी एच थ्री एच ओ एच। ओके बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा सामने? ओ एच सी एच थ्री और एच। ओके बच्चों, फिर वही इसको फिक्स करा। ओके बच्चों, ये इक्लिप्स्ड में ये और इंटर कन्वर्टेबल होती है ये इक्लिप्स्ड स्टैगर्ड ये सब। अब इसको घुमा दो बच्चों, इसको 120 डिग्री का रोटेशन दे दो। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी वर्टिकल लाइन पे क्या आ जाए बच्चों, मैक्सिमम कार्बन एटम आए, कि 120 डिग्री का रोटेशन सीधा चिपका दिया इसको हमने। ओके बच्चों, तो ये ऐसे गया, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर आपका ओ एच आ जाएगा बच्चों। ओके, अब देखो ये पीछे की तरफ क्या है इसमें, ये इसको यहाँ पर 60 डिग्री का दे दो बच्चों। इधर सी एच थ्री आ जाएगा। ओके, नहीं 60 डिग्री का नहीं, इसको हमने कितना दिया था बच्चों यहाँ पर? हाँ, इसको 60 डिग्री दिया था, लेकिन इसको तो, इसको भी हमें 120 डिग्री ही देना पड़ेगा। ओके, इसको तो 180 डिग्री का दिया है आगे वाले को, इसको 120 दे रहे हैं। तो इधर सी एच थ्री हो जाएगा बच्चों। ओके, इधर एच आ जाएगा और इधर ओ एच आपका आ जाएगा। ओके बच्चों, तो सेकंड वाला कैसे बनेगा? सेकंड वाला ऐसे बनेगा बच्चों, सी एच थ्री सी एच थ्री, लेफ्ट में एच, राइट में ओ एच, लेफ्ट में ओ एच, राइट में एच। कैसे हैं? क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं बच्चों, नहीं है। तो ये डायस्टीरियोमर्स होंगे। ओके, आइडेंटिकल भी नहीं, आइडेंटिकल होते तो बच्चों दोनों एच सेम साइड ही रहते बच्चों, आइडेंटिकल भी नहीं है। ओके, तो फर्स्ट सेकंड में ऐसे पूछा भी नहीं है आइडेंटिकल। अब थर्ड वाले की बनाते हैं। चलो, तो ये आपका आगे वाला कार्बन सी एच थ्री एच ओ एच। ओके, आपके बाद ये एच इधर सी एच थ्री और ओ एच। ओके बच्चों, एक को फिक्स किया, बाकी तीन का अब की बार फिर से आगे वाले को 180 डिग्री का रोटेशन देना होगा। ओके ओ एच और यहाँ पर आ जाएगा आपका एच। ओके बच्चों,
पीछे वाले को 120 डिग्री का दे दो बच्चों, ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3, यहाँ पर OH और यहाँ पर H, तो ये कैसे बनेगा, CH3, CH3, ओके बच्चों, लेफ्ट राइट में H, H, इधर OH, इधर OH, ओके बच्चों। तो देखो अब कह रहा है कि फर्स्ट और थर्ड, ये थर्ड है ये आइडेंटिकल है, तो देखो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है तो हमारा आंसर नहीं, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये दोनों आइडेंटिकल है, हमारा आंसर नहीं होगा। देखो अगर स्टीरियो आइसोमर्स हैं तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है बच्चों, ओके आंसर आ गया येस। अगर येस आंसर आता है ना बच्चों तो हम उसमें चेक करते हैं क्या किसी भी, दोनों में से किसी में भी क्या भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हुआ, ओके बच्चों क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री हुआ तो वो इनेंशियोमर्स होंगे, मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, अन्यथा अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हुआ तो वो क्या होंगे बच्चों, वो आपके आइडेंटिकल होंगे बच्चों। प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा प्लेन होता है जो हमारे कंपाउंड को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, ओके बच्चों, और दोनों इक्वल हाफ एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, यहाँ पर हमने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर नहीं होगा ओके तो इनेंशियोमर्स होंगे, अगर होगा तो आइडेंटिकल होंगे, तो आप देख सकते हो ये रहा प्लेन ऑफ सिमेट्री, दोनों के पास ही है, तो फर्स्ट और थर्ड आइडेंटिकल है। अब देखो फर्स्ट और सेकंड डायस्टीरियोमर क्या है, फर्स्ट और सेकंड आपके डायस्टीरियोमर, ओके फर्स्ट और सेकंड डायस्टीरियोमर और फर्स्ट और थर्ड आइडेंटिकल, तो सेकंड और थर्ड भी तो क्या होंगे डायस्टीरियोमर ही तो होंगे बच्चों, तो ये भी करेक्ट है, तो हमारा आंसर नहीं है। फिर कह रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड आर ऑप्टिकली एक्टिव, देखो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की खास पहचान होती है ना, तो उनके पास में कोई प्लेनो सिमेट्री होता ना कोई सेंट्रो सिमेट्री होता, सेंट्रो सिमेट्री एक ऐसा सेंटर होता है जिसमें आगे पीछे मूव करने से हमें सेम ग्रुप से मिलते हैं बच्चों, ओके। तो देखो अगर फर्स्ट की बात करें तो प्लेनो सिमेट्री देख लिया, देख लिया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो यहाँ पर सीधा कह दो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड को चेक करते हैं, सेकंड में क्या कोई ये वाला प्लेनो सिमेट्री होगा, नहीं, अब लगेगा सर सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है आगे पीछे सेम ग्रुप मिल रहे हैं, तो बात यह है कि बच्चों इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, कभी भी फिशर में सेंटर ऑफ सिमेट्री मत चेक किया करो, क्योंकि फिशर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर वाले बॉन्ड्स हैं, ओके, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है नहीं, जो हॉरिजॉन्ट वर्टिकल लाइन है वो क्या है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, हॉरिजॉन्टल लाइन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर ओ एच है, यहाँ पर ओ एच है, यहाँ पर एच है। अब देखो यहाँ से अगर आप इसको सेंटर मान लो तो यहाँ पर क्या होगा, ये कार्बन नहीं लगाया बच्चों, ये दिस इज सेंटर, ओके। तो देखो इधर गए तो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आपको एच मिला है, तो सामने एकदम ठीक ऑपोजिट जाओगे ना तो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर आपको एच मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिलेगा बच्चों, ओके। तो सेंटर सिमेट्री भी नहीं है, प्लेन सिमेट्री भी नहीं है, तो सेकंड वाला ऑप्टिकली एक्टिव है लेकिन फर्स्ट वाला नहीं है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। अगर ये इनकरेक्ट है तो यही हमारा आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन 4, और स्टीरियो आइसोमर्स को हम अपनी क्लास 11th की एनसीईआरटी से रेफर कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 12, पेज नंबर 341। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, थैंक यू बच्चों।